प्यार करके अब न जाना कभी रुठ के चोरी चोरी दिल के बदले दिल तो सारी दुनिया देती है। 90 के दशक में इस सिंगर की आवाज जब फिल्मों में गूंजी तो लोग हैरान रह गए क्योंकि ये हूबहू कुमार सानू से मिलती थी। पर कुछ लोगों ने कहा कि जब कुमार सानू खुद म्यूजिक इंडस्ट्री में मौजूद हैं, तो भला उनकी कॉपी करने वाले को गाने क्यों मिलेंगे। एक भीगी हसीना क्या कहना, यौवन का नगीना क्या। लेकिन इस सिंगर ने इन दावों को गलत साबित करते हुए एक के बाद एक दर्जनों हिट गाने दिए। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा धीमी सी धड़। ये ना सिर्फ एक फेमस प्लेबैक सिंगर बने बल्कि लाइव परफॉर्मर, टेलीविजन होस्ट, एक्टर और राजनेता के रूप में भी अपनी पहचान बनाई। ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 11 अलग अलग भाषाओं में गाने वाले एक वर्सटाइल सिंगर रहे और बंगाली म्यूजिक इंडस्ट्री में एक दिग्गज गायक के तौर पर भी खूब शोहरत कमाई। क्या आपको पता है कि इन्होंने जहां बीजेपी में रहते हुए ममता बनर्जी को क्रूर, भ्रष्ट और बेईमान महिला कहकर संबोधित किया, तो वहीं जब टीएमसी में शामिल हो गए तो पीएम मोदी और अमित शाह को तानाशाह कहकर बुलाने लगे। आई लेफ्ट बिकॉज प्रधानमंत्री बहुत अनकाइंड है, बहुत निष्ठुर है। और क्या आप यकीन करेंगे कि सिंगर से पॉलिटिशियन बने इस शख्स ने एक दिन इस कदर आपा खो दिया कि अपने बीजेपी ऑफिस में एक शख्स को थप्पड़ जड़ दिया और भारी आलोचनाओं का शिकार हुए। बताएंगे इनकी जिंदगी से जुड़ी और भी अनसुनी कहानियाँ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। दोस्तों, आज के अपने इस एपिसोड में जिस शख्स की कहानी हम बयां कर रहे हैं वो है इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर और पॉलिटिशियन बाबुल सुप्रियो। परी परी है एक परी, आसमां से आ गिरी सामने। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनके फैमिली बैकग्राउंड और अर्ली लाइफ के बारे में। बाबुल सुप्रियो का जन्म पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के एक छोटे से शहर उत्तरपाड़ा में 15 दिसंबर 1970 को हुआ था। इनकी मां का नाम सुमित्रा बराल और पिता का नाम सुनील चंद्र बराल था। बाबुल के दादाजी बनिकंथा एनसी बराल एक फेमस बंगाली सिंगर और म्यूजिशियन थे, जिस वजह से इनके परिवार में गीत संगीत का माहौल था। बचपन से ही इसका असर बाबुल पर भी होने लगा और संगीत के प्रति इनकी दिलचस्पी बढ़ती गई। सुप्रियो ने इस दौरान कई इंटर कॉलेज और इंटर स्कूल सिंगिंग कंपटीशन में हिस्सा लिया और उसे जीता भी, और अपने ग्रैंडफादर की हेल्प से बचपन से ही ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में परफॉर्म करने लगे। इससे इनका कॉन्फिडेंस भी तेजी से बढ़ने लगा और ये सिंगर बनने का सपना देखने लगे। सुप्रियो किशोर कुमार के फैन थे और उन्हीं के गाने गुनगुनाया करते थे। इसी दौरान वैसी ही एक आवाज इनके कानों में गूंजी जो कुमार सानू की थी। इन्हें इनकी आवाज बेहद पसंद आई और अब बाबुल कुमार सानू के भी गाने सुनने और गुनगुनाने लगे। बाबुल की शुरुआती पढ़ाई लिखाई डॉन बॉस्को हाई एंड टेक्निकल स्कूल लिलुआ से हुई और फिर इन्होंने 1991 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के सिरामपुर कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन पूरा किया। इसके बाद बाबुल सुप्रियो ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का फैसला किया, लेकिन उनका परिवार इस बात से खुश नहीं था क्योंकि उनकी फैमिली चाहती थी कि ये पढ़ लिख कर आगे अपना करियर बनाएं, अपने शौक को अपने करियर के तौर पर न देखें, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री में करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितताएँ हैं।
इसलिए परिवार के दबाव में बाबुल ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक में एक बैंकर की हैसियत से जॉब ज्वाइन कर ली और 9 to 5 की नौकरी करने लगे। पर बाबुल ये ज्यादा दिनों तक नहीं कर सके और अपने सपनों को मरता देख विद्रोह कर बैठे। बोरिया बिस्तर बांधा, हावड़ा स्टेशन से ट्रेन पकड़ी और पहुंच गए मुंबई के दादर। ये 1992 का साल था, लेकिन अब यहाँ काम पाना इतना आसान नहीं था। बाबुल अपने जैसे ही कुछ स्ट्रगलर्स के साथ यहाँ रहने लगे और म्यूजिक डायरेक्टर्स के ऑफिसेस के चक्कर लगाने लगे। इंतजार बस ये कि कहीं कोई ब्रेक मिल जाए। इसी दौरान इन्हें कल्याण जी आनंद जी के ऑफिस से फोन आया, जो उस दौरान एक वर्ल्ड टूर की तैयारी कर रहे थे। सुप्रियो उनसे मिलने पहुंचे और ऑडिशन में उन्हीं का एक गाना सुनाया, कोरा कागज था ये मन मेरा। वहां मौजूद सभी लोगों को इनकी गायकी पसंद आई और इन्हें टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। मार्च 1993 में सुप्रियो कल्याण जी के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल गए और इसी दौरान इन्हें शो में आशा भोसले और अमिताभ बच्चन के साथ भी स्टेज शेयर करने का मौका मिला। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों का दौरा करते हुए इस टूर से लौटने के बाद 2-3 म्यूजिक कंपोजर्स ने बाबुल को अपनी फिल्मों में गाने का मौका दे दिया। ये थे नदीम श्रवण, बप्पी लहरी और अनु मलिक। इसी दौरान इन्होंने सुप्रियो बराल से अपना नाम बदलकर बाबुल सुप्रियो रख लिया और फिल्मों में इसी नाम से गाना शुरू कर दिया। साल 1994 में बाबुल सुप्रियो का पहला गाना रिलीज हुआ, जिसे नदीम श्रवण ने कंपोज किया था। ये फिल्म थी एक्का राजा रानी। इसी साल बाबुल को क्रांति क्षेत्र मूवी में 2 सॉन्ग्स गाने का मौका मिला, जिसमें नदीम श्रवण का ही संगीत था। तो साथ ही फिल्म प्रेम योग में बप्पी लहरी के संगीत निर्देशन में भी इसी साल बाबुल ने एक और गाना गाया। जिंदगी 4 दिन की न रूठो सनम। इसके बाद इन्होंने गद्दार, अग्निसाक्षी और जंग आदि फिल्मों में भी आदेश श्रीवास्तव और नदीम श्रवण के लिए कई गाने गाए। क्या देख रहा है यार, क्या सोच रहा है यार, दुनिया के बाजार। 1996 में आई फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में अनु मलिक ने भी बाबुल पर भरोसा जताया और इनसे एक गाना गवाया। अरे आज मेरी जिंदगी में पहली पहली बार मेरा पागल। इसी साल की फिल्म हिम्मतवार में नदीम श्रवण ने इनसे 2 गाने गवाए, जबकि इसमें और भी कई दिग्गजों ने आवाज दी थी। इतनी चाहत छुपाए बैठा हूं। 1997 में आई फिल्म अग्निसाक्षी का गाना ओ पिया ओ पिया भी सफल रहा, लेकिन इसे कुमार सानू की आवाज समझ लिया गया। साल 1997 में ही फिल्म नसीब का इनका गाया एक गाना भी बेहद चर्चित रहा, जिसे गोविंदा पर फिल्माया गया था और नदीम श्रवण का म्यूजिक था। तुम ही ने मेरी जिंदगी खराब की है। तो वहीं नदीम श्रवण के ही संगीत निर्देशन में बाबुल ने 1998 में आई फिल्म 7 रंग के सपने के लिए 2 गाने गाए, जिनमें से एक सुपरहिट हो गया। में ही इन्होंने एआर रहमान के निर्देशन में एक गाना गाया, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया। ये फिल्म थी डोली सजा के रखना। साल 1999 में साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में बाबुल को एक ऐसा गाना गाने का मौका मिला, जिसने इन्हें सुर्खियों में ला दिया। ये फिल्म थी हेलो ब्रदर। हटा सावन की घटा, हटा सावन की घटा। लेकिन एक समस्या अब भी थी कि ज्यादातर लोग इन्हें कुमार सानू की आवाज ही समझा करते थे और इन्हें असली क्रेडिट नहीं मिल पा रहा था। तभी साल 2000 में एक ऐसी फिल्म के लिए इन्होंने गाना गाया, जो उस पूरे दशक की सबसे चर्चित फिल्मों में शुमार हो गई। ये फिल्म थी कहो ना प्यार है। ये गाना सुपरहिट रहा और इस फिल्म के गानों के इतने कैसेट मार्केट में बिके कि उस पर छपे सिंगर्स के नाम से लाखों लोगों ने बाबुल सुप्रियो को पहचानना शुरू कर दिया।
इसके बाद तो सुप्रियो की किस्मत चमक गई और सालों के इंतजार को मंजिल मिल गई। साल 2000 में ही फिल्म आई ढाई अक्षर प्रेम के, जिसमें पहली बार बाबुल सुप्रियो को किसी बड़ी फिल्म के आधा दर्जन से ज्यादा गानों को गाने का मौका मिला था। जाने की धर से, छुप के नजर से, दिल पे कोई लिख जा। दो लफ्जों में लिख दी मैंने अपनी प्रेम कहानी, मैं तेरे दिल का राजा बन। अब सुप्रियो को काम की कोई कमी नहीं थी और ये एक से बढ़कर एक हिट गाने दिए जा रहे थे। साल 2001 में इन्होंने 8 फिल्मों के लिए दर्जनों गाने गाए, जिनमें से ज्यादातर बड़े बैनर की हिट फिल्में थीं। ये थीं चोरी चोरी चुपके चुपके, मुझे कुछ कहना है, शोख हसीना खुशबू वाली, चांद भी तुझ पे मरता, इतनी हसी हूं चांद बेचारा। इसके अलावा ये तेरा घर ये मेरा घर और सीरियल कसौटी जिंदगी की का टाइटल सॉन्ग। चाहत के सफर में बूंद, इत्तेफाक, डायल 100, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, अलबेला आदि फिल्मों में भी बाबुल सुप्रियो ने अपनी आवाज दी। सर से सरक गई तेरी चुनरी हो मुझसे। साल 2002 भी बाबुल के लिए अच्छा साबित हुआ, जबकि इन्होंने कुछ अच्छी फिल्मों में गाने गाए। ये रही जीना सिर्फ मेरे लिए, कंपनी, क्या यही प्यार है आदि। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके दे। ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे। सुप्रियो उस दौर के तमाम दिग्गज हीरोज और म्यूजिक कंपोजर्स के लिए गाने गा रहे थे और नई ऊंचाइयों को छूते जा रहे थे। ये तो मुमकिन ही नहीं तुमसे प्यार हो जाए। फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके के लिए जब बाबुल ने गाने गाए तब वो सबकी जुबान पर चढ़ गए। ना जाना कभी रुट के, चोरी चोरी। इसके अलावा बाबुल ने गुनाह, दीवानगी, दिल का रिश्ता और हंगामा जैसी हिट फिल्मों के लिए कई सुपरहिट गाने गाए। दिल का रिश्ता कितना पार। फिल्म चोरी चोरी, कुछ तो है, अंदाज आदि कुछ फिल्मों के हिट गाने भी बाबुल के हिस्से आए। एक भीगी हसीना क्या कहना, यौवन का नगीना। इसी तरह साल 2004 में फिल्म हम तुम के गानों ने भी संगीत की दुनिया में आग लगा दी। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा धीमी। तो 2005 में आई चेहरा फिल्म का गाना कभी खामोश बैठोगी तो जैसे सुनने वालों के सीधे दिल में उतर गया। कभी खामोश बैठोगी, कभी कुछ गुनगुनाओगी, कभी खामोश। कह सकते हैं कि बाबुल सुप्रियो के ऐसे सैकड़ों सदाबहार गाने आज भी उसी शिद्दत से सुने जाते हैं। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर, चीटी चाटे चीनी चटोरी चीनी। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते चार, 400 बरस लगे। साल 2018 में फिल्म लैला मजनू में आखिरी बार इनकी आवाज सुनने को मिली थी और इसके बाद धीरे धीरे इनके गाने कम सुनाई देने लगे, जबकि नए सिंगर्स ने पुराने गायकों को रिप्लेस करना शुरू कर दिया था। चलो बातों में बातें खोले, आओ थोड़ा सा खुद को खोले। हिंदी फिल्मों के अलावा बाबुल सुप्रियो ने बंगाली, उड़िया, कन्नड़ और मराठी सहित लगभग 11 लैंग्वेजेस में भी शानदार गाने गाए और अपनी काबिलियत को साबित किया। मोनेर मो तो मोनेर खोजे, ऐ तो ठापो चोले ला। बाबुल सुप्रियो ने फिल्मों के अलावा कुछ म्यूजिकल एल्बम के लिए भी गाने गाए, जिनमें तेरे लिए एल्बम इनका सबसे सफल प्रयास रहा। तेरे लिए, हाँ हाँ, तेरे लिए, मेरे दिल में। इसके अलावा बाबुल सुप्रियो ने कुछ टीवी शोज में एंकरिंग भी की और काफी नाम कमाया। मेरे नैना सावन,
बाबुल सुप्रियो को मिले अवार्ड की बात करें तो इतना टैलेंट होने और सैकड़ों हिट गाने देने के बावजूद इन्हें अपने समकालीन सिंगर्स के कंपैरिजन में उतने अवार्ड नहीं मिल सके जितने की दूसरों को मिले। हालांकि इसके पीछे वजह क्या रही कहना मुश्किल है। दोस्तों, आप इसके पीछे का कारण क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। हाँ, अगर इस बात पर चर्चा की जाए कि इन्हें उदित नारायण, कुमार सानू, अभिजीत, शान या सोनू निगम जितनी शोहरत क्यों नहीं मिल सकी, तो एक्सपर्ट्स इसके पीछे सबसे बड़ी वजह मानते हैं इनकी आवाज का कुमार सानू से हूबहू मिलना। जैसे इन गानों को सुनिए। ये फैसला एक भीगी हसीना क्या कहना यौवन का नगीना। सिर्फ यही नहीं, इनके ज्यादातर गानों पर कुमार सानू की गायकी का ही असर साफ साफ देखा जा सकता है। और कहते हैं कि जो म्यूजिशियन कुमार सानू को अफोर्ड नहीं कर पाते थे वो इन्हें फोन लगाते थे, ठीक उसी तरह जैसे लता मंगेशकर और सुमन कल्याणपुर के साथ होता था। हाँ, सुमन जी को लता जी जैसी आवाज का जो खामियाजा उठाना पड़ा, कुछ वैसा ही बाबुल के साथ भी हुआ और इनकी अपनी कोई मजबूत और अलहदा पहचान नहीं बन पाई जिसके ये हकदार थे। लेकिन बाबुल को इसका कभी अफसोस नहीं रहा। तेरे सपनों में जो आता है वही दिल पर हूँ मैं जाना। इस मुद्दे पर बात करते हुए बाबुल सुप्रियो ने कहा था कि चूंकि बचपन से ही ये किशोर कुमार के गाने सुनते रहे थे और बड़े होने पर कुमार सानू के भी गानों को दीवानों की तरह गाया और सुना करते थे, तो इनकी गायकी पर इन बड़े सिंगर्स का असर होता गया जो कि लाजमी था। बाबुल सुप्रियो ने बंगाली फिल्मों में लीड हीरो के तौर पर भी एक्टिंग की। चंदरबारी, ओगो बोधु शुंडोरी जैसी कुछ बंगाली फिल्में हैं जिनमें इन्होंने अभिनय किया। चीज की चोरी होगा अथवा मानुष खुनी बड़ो बड़ो स्कैम करा कोनो चाली जाती होक बा निष्पाप मानुषे प्राण केरने टेररिस्टी होक आज के दिन ना दिन शेषे सबाई जाने क्यों ना क्यों। फिल्मी करियर के अलावा बाबुल सुप्रियो राजनीति में भी काफी पॉपुलर रहे और साल 2014 में राजनीति में आकर हलचल मचा दी। एक दिन यात्रा के दौरान बाबुल सुप्रियो की मुलाकात फ्लाइट में बाबा रामदेव से हुई और बातों बातों में बाबा रामदेव ने इन्हें बीजेपी ज्वाइन करने का ऑफर दे दिया। बाबुल सुप्रियो को भी ये ऑफर पसंद आया और आगे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बाबा रामदेव के ही जरिए ज्वाइन कर ली। बाबुल ने बीजेपी के टिकट पर 2014 और 2019 के चुनाव जीते और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय और भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में काम किया। लेकिन 2021 में हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बाबुल सुप्रियो से मोदी कैबिनेट के दोनों मंत्रालय छीन लिए गए क्योंकि ये टॉलीगंज सीट से 2021 का पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव हार गए थे। इससे बाबुल को काफी बेइज्जती महसूस हुई और जुलाई 2021 में ही इन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देते हुए पॉलिटिक्स से ही संन्यास लेने की घोषणा कर दी। लेकिन कुछ ही महीने बाद सितंबर 2021 में ये ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस से जुड़ गए और यहाँ 2022 में टीएमसी ने भी इन्हें वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में मंत्री बना दिया। पॉलिटिक्स में आने के बाद बाबुल सुप्रियो कई बार कई तरह के विवादों में भी फंसे, कभी रोहिंग्या को लेकर, कभी भारतीय मुसलमानों को लेकर, तो कभी पाकिस्तानियों को लेकर। कई तरह के इन्होंने ऐसे कंट्रोवर्शियल बयान दिए जिसको लेकर कई बार इनकी आलोचना भी हुई। जब बाबुल सुप्रियो बीजेपी में थे तभी पश्चिम बंगाल की टॉलीगंज विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए इन्होंने कोलकाता में पार्टी ऑफिस के अंदर एक शख्स को कथित रूप से थप्पड़ जड़ दिया था। ये वीडियो वायरल हो गया और सुप्रियो की जमकर आलोचना होने लगी। वीडियो में एक शख्स बार बार बाबुल सुप्रियो से ये कहते हुए दिख रहा था कि उन्हें टीवी कैमरा के सामने पोज और बाइट देने की जगह जमीनी प्रचार को लेकर गंभीर होना चाहिए, जिसके बाद बाबुल ने अपना आपा खो दिया और थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना को लेकर बाबुल सुप्रियो ने बाद में ये दावा किया कि इन्होंने थप्पड़ नहीं मारा था बल्कि सिर्फ थप्पड़ मारने का इशारा किया था। बाबुल सुप्रियो ने कहा, लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आ रहे हैं सो कुछ विभीषण हो सकते हैं, कुछ मीर जाफर भी हो सकते हैं, कुछ लोग शर्तियां दिक्कतें पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मैंने उसके उकसावों के बावजूद संयम बनाए रखा। यानी बाबुल सुप्रियो ये कह रहे थे कि थप्पड़ मारना संयम में रहना था। ऐसे में इनसे पूछा जाना चाहिए था कि फिर संयम खोने की स्थिति में ये उसके साथ क्या करते।
वहीं बीजेपी छोड़ने के बाद बाबुल ने मोदी शाह पर तंज कसते हुए कहा था कि देश के शहंशाह, देश के बादशाह मेरी जिंदगी के राजा नहीं है। तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के बाद मैं अपने दम पर संगीत की दुनिया में घूमने में सक्षम हूँ। 2018 में केंद्रीय मंत्री रहते हुए बाबुल सुप्रियो ने आसनसोल में एक कार्यक्रम के दौरान एक शख्स को पैर तोड़ने की धमकी तक दे डाली थी और ये घटना भी कैमरे में कैद हुई थी। आपका एक काम तो के फिर मैं आपको कर्ज दे सकता हूँ, खड़े हो जाइए साइड पर, आगे साइड नहीं, अगली बार ये अगर वहाँ से हिले तो आप उन लोगों का एक पैर खोल लीजिएगा, मैं एक लाठी को दे दूँगा। वहीं 2018 में ही बाबुल सुप्रियो पर पुलिस से भिड़ने और टीएमसी कार्यकर्ताओं की खाल खींच लेने की धमकी देने का आरोप लगा था। इसी तरह 2019 में जाधवपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों की तरफ से बाबुल सुप्रियो का जमकर विरोध हुआ, जिसमें इन्होंने दावा किया कि छात्रों ने इनके बाल खींचे और लात घूंसे मारे। इस मामले में यूनिवर्सिटी के कंपैरेटिव लिटरेचर डिपार्टमेंट में पढ़ने वाली छात्रा स्मृति सिन्हा के साथ और भी कई छात्राओं ने बताया था कि बाबुल सुप्रियो ने सेक्सी कमेंट करके लोगों को भड़काया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। कुछ दिन पहले मार्च 2024 में बाबुल सुप्रियो ने भोजपुरी गायक पवन सिंह को आसनसोल सीट से टिकट दिए जाने पर उनके फिल्मों के कुछ पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किए और बीजेपी पर सवाल उठाते हुए लिखा, आसनसोल को पवन सिंह जी मुबारक हो, मेरे पास इन फिल्मों के पोस्टर्स की बाढ़ आ गई है। अगर ये पोस्टर सच हैं, तो ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि बंगाल के लिए और विशेष रूप से बंगाल की महिलाओं के लिए किस तरह का सम्मान है। निश्चित रूप से माननीय पीएम सर भी पोलो ग्राउंड में उनके लिए प्रचार करने आएंगे। बाबुल से जुड़े कुछ और विवादित बयानों की बात करें तो साल 2018 में इन्होंने पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर कहा था कि बॉलीवुड को पाकिस्तानी कलाकारों से तमाम रिश्ते तोड़ लेने चाहिए, पाकिस्तानी कलाकारों का पाकिस्तानी होना ही अपराध है, मुझे आतिफ असलम या राहत से कोई परेशानी नहीं बल्कि उनकी नागरिकता से है, बॉलीवुड दुनिया भर में भारत का प्रतिनिधित्व करता है, पाक कलाकारों को बैन कर दुनिया भर में पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा है उसका विरोध करना चाहिए। इस पर कुछ लोगों ने जहां बाबुल की आलोचना की तो कुछ ने इन्हें सही करार दिया। इसी तरह बाबुल सुप्रियो ने हैदराबाद में हुए पुलिस एनकाउंटर को सही ठहराया था, जिस पर आलोचनाओं के बाद इन्हें अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, तो साथ ही एक कार्यक्रम में इन्होंने महिलाओं को तलवार उठाने की सलाह दे डाली, जो कि सीधे सीधे हिंसा को प्रमोट करने वाली बात थी। चलिए अब बात करते हैं बाबुल सुप्रियो की पर्सनल लाइफ की, इनकी शादी किनसे हुई, इनके कितने बच्चे हैं और आज फिलहाल ये क्या करते हैं, किस पार्टी में हैं। साल 1995 में बाबुल ने रिया नाम की एक महिला से शादी की, जिनसे 1996 में इन्हें एक बेटी शर्मिला पैदा हुई, लेकिन शादी के 20 साल बाद बाबुल और इनकी पत्नी ने किन्हीं वजहों से अलग होने का फैसला किया और 2015 में इनका डिवोर्स हो गया। इसके 10 महीने बाद ही 2016 में बाबुल ने जेट एयरवेज की एक एयर होस्टेस रचना शर्मा से शादी कर ली, जो कि अब इनके साथ रहती हैं। बाबुल की बेटी अब बड़ी हो चुकी हैं और सिंगिंग फील्ड में ही करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 53 साल के हो चुके बाबुल सुप्रियो फिलहाल अपने परिवार के साथ मुंबई के अंधेरी में आर्किड टावर में रहते हैं और दिल्ली के उद्योग भवन में भी इनका एक ऑफिस है। ये सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं। आई लेफ्ट बिकॉज प्रधानमंत्री बहुत अनकाइंड है, बहुत निष्ठुर है। अब एक बंगाली को अगर उन्होंने बीच में रोक दिया, मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात उन्होंने कल की है कि उनकी बात उन्होंने किया है, वो भूल गए कि जब कोई कोलिशन नहीं, बीजेपी कोलिशन में नहीं लड़े थे तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बाद बाबुल सुप्रियो ही वो आदमी है जो बंगाल की धरती से 2014 में उनको सीट जीत के दिया था। इनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज भी है, साथ ही ये इंस्टाग्राम पर भी काफी एक्टिव है। तो ये रही कहानी जाने माने सिंगर और पॉलिटिशियन बाबुल सुप्रियो की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगले एपिसोड में कुछ और नए किस्से कहानियों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। मेरी तरह तुम भी कभी प्यार एक भीगी हसीना क्या कहना, यौवन का नगीना क्या। सांसों को सांसों में ढलने दो जरा धीमी सी धड़। ये दिन ये महीने साल गुजर जाएंगे।